लाखों दर्शकों का भरोसेमंद न्यूज चैनल R9 भारत। सतगावा प्रखंड के अंतर्गत मरचोई पंचायत में कन्या प्राथमिक विद्यालय कटहरा एवं प्राथमिक विद्यालय गोनर डी के द्वारा मुखिया संघ अध्यक्ष एवं मरचोई पंचायत के मुखिया उत्तम कुमार ने निरीक्षण किया। वहीं निरीक्षण के दौरान कन्या प्राथमिक विद्यालय कटहरा में कुछ खामियां पाई गयी। विद्यालय के आसपास गंदगी फैला रहना, विद्यालय में सुचारू रूप पानी का व्यवस्था नहीं होना, साप्ताहिक के हिसाब से भोजन नहीं मिलना, विद्यालय में बाउंड्री दीवार नहीं होने से असामाजिक तत्वों के द्वारा विद्यालय में तोड़फोड़ करना जैसी खामियां पाई गयी। इस दौरान मुखिया संघ अध्यक्ष ने बच्चों के बीच किताब का वितरण किया। इस बीच मुखिया संघ अध्यक्ष ने बच्चों के बीच सवाल पूछा, जिसमें कुछ बच्चे जवाब दिए, कुछ ने जवाब नहीं दिए एवं जवाब नहीं देने पर बच्चों को मुखिया के द्वारा बताया गया। वहीं प्राथमिक विद्यालय गोनरडीह में संघ अध्यक्ष ने रजिस्टर पंजी का जांच किया। प्राथमिक विद्यालय गोनरडीह में भी खामियां पाई गईं। पाकशाला का ना होना, मेनू के हिसाब से भोजन नहीं मिलना, पानी का व्यवस्था नहीं होना, सवाल करने पर बच्चों के द्वारा जवाब नहीं देना, बच्चों के पोशाक का वितरण नहीं होना, शौचालय का उपयोग नहीं होकर ताला लगा रहना जैसे गड़बड़ियां पाई गईं। वहीं इस बीच संघ अध्यक्ष ने बच्चों को पूछा एवं नहीं बताने पर मुखिया संघ अध्यक्ष के द्वारा बच्चों को बताया गया एवं समझाया गया। इस बीच मुखिया संघ अध्यक्ष ने गड़बड़ी में सुधार लाने को कहा गया, विद्यालय के विकास की बात आगे तब तक करने को बताया गया। क्या नाम हुआ? लक्ष्मी कुमारी। पापा का नाम? दिनेश सिंह। घर तुम्हारा कहाँ हुआ? बघोर। अच्छा, क्या नाम हुआ? अनमोल। घर तुम्हारा? मरचोई। पोस्ट मरचोई। जिला? कोडरमा। थाना? सतगामा। किस क्लास में पढ़ता? थ्री में। ये बताओ, एप्पल मिस क्या होता है? सेव। और बॉल का स्पेलिंग क्या होता है? थैंक यू, धन्यवाद। मेरा नाम उत्तम कुमार हुआ, हम ग्राम पंचायत मरचोई के मुखिया हैं। आपने आज दो विद्यालय का निरीक्षण किया, एक प्राथमिक विद्यालय कटहरवा, एक प्राथमिक विद्यालय गोनरडीह। तो मतलब क्या क्या चीज़ आपने सही पाया, इसको लेकर के आप क्या बोलना चाहेंगे? सर, प्रथम मैं कोडरमा जिला के उपायुक्त महोदय को धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो शिक्षा के प्रति पूरे कोडरमा जिला में एक नया दिशा देने का काम कर रहे हैं और दिन प्रतिदिन वो खुद जो है सो अपने DC ऑफिस से चलकर हर एक स्कूल में निरीक्षण करने का काम कर रहे हैं, स्कूल एवं आंगनबाड़ी। और उन्हीं के कथनानुकूल हम भी अपने गांव में ग्राम पंचायत मरचोई के मुखिया होने के नाते सर्वप्रथम हम भी चाहते हैं कि हमारे गांव के स्कूल की शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो और अच्छा हो। इसी के चलते मैं जो है कन्या प्राथमिक विद्यालय कटहरा का निरीक्षण किया, जो वहाँ मैं 100% शिक्षक लोग सभी उपस्थित थे, बच्चे लोग भी थे, मध्याह्न भोजन भी बन रहा था। और दूसरा विद्यालय मैं प्राथमिक विद्यालय गुनाडी का निरीक्षण किया, जो बच्चा लोग सभी अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं और सब लोग को हम एक उज्ज्वल भविष्य का कामना करते हैं। और सभी शिक्षक लोग को बोले कि एक आपसी सामंजस्य बनाकर बच्चे लोग को सही पठन पाठन का एक संदेश दें, जो हम लोग का कल का भविष्य है, मेरा भी भविष्य है, पूरे गांव और समाज का भविष्य है। इसी साथ में अपना ये बताइए मुखिया जी कि कन्या प्राथमिक विद्यालय में कुछ खामियां पाया गया है। कन्या प्राथमिक विद्यालय में वहाँ से शिक्षक लोग और बच्चे लोग से यही बताया गया है कि वहाँ की जो है सो बाउंड्री वॉल की अति आवश्यक है, जो जिससे बाउंड्री वॉल नहीं होने के चलते वहाँ पे गंदगी का बहुत सारा जमावड़ा लग जाता है, जिससे बच्चे लोग को पठन करने में काफ़ी कठिनाई होती है। इसके चलते हम उन लोग को आश्वासन दिए हैं कि आगे हमारे गार्जियन स्वरूप प्रखंड विकास पदाधिकारी से हम भी कुछ उस विषय वस्तु पर जानकारी लेकर आगे उस काम करने का पहल जरूर करेंगे। यहाँ भी प्राथमिक विद्यालय गोनरडीह में भी खास करके यहाँ जो बच्चों का जो भोजन बनता है उसका पाकशाला का जो स्थिति गंभीर है, तो इस जगह पर भी मतलब चाहेंगे आपकी इस जगह पर भी इसका निराकरण किया जाए। आगे मैं
बीओ साहब से जाकर बात करेंगे कि सर इस तरह की बात है, वहाँ पर बात करने पर उनसे क्या गाइडलाइन मिलता है, उसके आगे हम लोग अपना काम करने का काम करेंगे। ठीक है, धन्यवाद मुखिया जी।